अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एलईडी स्ट्रीट लाइट। दोस्तों, ये एलईडी स्ट्रीट लाइट है, इसे स्ट्रीट लैंप भी कहते हैं और स्ट्रीट लाइट भी इसे कहते हैं, इसे खंबा लाइट भी बोलते हैं। तो ये एलईडीज की है। इसकी जो सबसे बड़ी खास बात है, ये हीट नहीं होती, गर्म नहीं होती। जिस तरह हमारे पहले लाइट आती थी ना, तो वो हीट हो जाती थी या फ्यूज हो जाती थी, या उसके ऊपर कोई पानी पड़ जाए या कोई ऐसी चीज पड़ जाए तो उससे वो खराब हो जाती थी। इसका एक तो ये फायदा है। दूसरे नंबर के ऊपर ये 100 वाट की है और ये आउटपुट देती है 2000 वाट की, यानी कि 2000 वाट का जो आपका बल्ब लगा होता था ना, उस जितनी देती है। इसके अंदर 50 वाट, 100 वाट, 150 वाट, 200 वाट तक हमारे पास अवेलेबल है। और दूसरे नंबर के ऊपर अब इसके अंदर सोलर वाली भी लाइट आती है, सोलर वाली भी आपको मिल जाएगी। और इसके साथ एक आती है सेंसर वाली लाइट, सेंसर लाइट भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। सेंसर लाइट का ये मतलब होता है कि यानी कि दिन हो जाए तो वो खुद ब खुद ऑफ हो जाती है, तो रात हो जाए तो खुद ब खुद ऑन हो जाती है। तो इसके अंदर वार्म वाइट दो कलर आते हैं, दोनों के दोनों आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। और इसके अंदर जो रोशन लाइट की जो बॉडी है ना, इसके एक व्हाइट कलर आता है, इसके अंदर एक ब्लैक आता है, दोनों आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर है, ठीक है। और इसके अंदर व्हाइट भी आपको मिल जाएगा और ब्लैक भी मिल जाएगा। चलें, मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ, करके आपको मैं चेक करवाता हूँ। ये इसका हो गया रॉड इसको हैंग करने के लिए। ये आ गई इसकी एलईडी, यानी कि लाइट आ गई, यानी कि रॉड तो इसके पीछे लगेगा ही लगेगा ना इसका। तो उसके बाद ये लाइट आ गई। जो लाइट आई आप देख सकते हैं इसकी एलईडीज, इसकी एलईडीज कितनी प्यारी और कितनी अच्छी है, और 100 वाट की है और 3000K लिखा हुआ है, यानी कि 3000K का मतलब ये होता है कि वार्म है ये, ठीक है। अगर इसके ऊपर 6500 लिखा होता तो ये होती वाइट। और IP60 का मतलब ये होता है, यानी कि IP66 इसका मतलब ये होता है ये वाटर प्रूफ है। यानी कि अगर IP65 होता या 64 होता तो उसका मतलब ये था कि ये फुल वाटर प्रूफ नहीं है, ये IP60 है, यानी कि IP66 का मतलब होता है ये वाटर प्रूफ लाइट है। और दूसरे नंबर के ऊपर इसके साथ जो केबल्स हैं, ये देखें केबल इसके साथ तीन दी गई है, यानी कि एक आपकी अर्थ की आ गई, ये वाली जो हो गई, यानी कि पाकिस्तान के अंदर तो चलती नहीं है। तो उसके बाद ये आ गई न्यूट्रल और एक आ गई फेस। तो ये वाली एक तो ये है कि इसके ऊपर हीट गर्म नहीं होती है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था ये गर्म नहीं होती। और दूसरे नंबर के ऊपर ये जो स्टैंडर्डली 100 वाट नहीं लेती, ये ऐसा ऐसा जिस तरह आपका इन्वर्टर एसी वगैरह ना कम कर देती है ये वाटेज। और दूसरे नंबर के ऊपर इसकी जो मेंटेनेंस है, अगर खुदा ना खास्ता इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब हो सकती है, अगर खुदा ना खास्ता कोई खराबी या कोई आ जाए तो आप इसको आसानीली रिपेयर कर सकते हैं, और इसका जो पार्ट्स हैं वो आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल मिल जाएंगे। पहली बात तो ये है। और दूसरे नंबर के किसी के पास नहीं भी हो तो वो हमारे पास अवेलेबल है, हमसे रब्ता करें, हम आपको अवेलेबल कर देंगे, आपको चीज मिल जाएगी जो भी चाहिए होगा इसका। और उसके बाद आप इसके बैक साइड पे ये देख सकते हैं घंटे से, ये उन्होंने इसलिए दिए गए हैं ताकि ये ली जो लाइट है ना, ये आप ये हीट ना हो, ठीक है। एलईडी पहले नंबर पे हीट नहीं होती, और दूसरे नंबर पे अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा बन जाता है, कोई ऊपर छापर चला जाता है, कोई ऐसी चीज हो जाती है जिससे हीट होने का खतरा होता है, तो उस लिहाज से ये पीछे कंप्रोमाइज कर लेती है। और दूसरे नंबर के ऊपर आप इसकी बैक साइड पे देख सकते हैं ये स्क्रू एल की वाले हैं, यानी कि एक तो आप लगाते थे ना वो पेचकस या टेस्टर वगैरह से, किसी से भी टेस्ट कर लेते थे, तो उससे नहीं है, ये एल की से टाइट होता है। और दूसरे नंबर में मैं आपको ऑन करके ये मैं आपको चेक करवाता हूँ लाइट। तो ये लाइट एक्सटेंशन ऑन कीजिएगा, ये आप देखिएगा, मैं आपको ऑन करके ये चेक करवाता हूं।
ये देखें इतनी अच्छी और इतनी हैवी लाइट है, मैं मुझसे इसकी तरफ देखा नहीं जा रहा, ठीक है। और दूसरे नंबर के ऊपर ये हीट नहीं हो रही, और ये लाइट चलने में भी बहुत अच्छी है, और इसकी वारंटी है 1 साल की। और दूसरे नंबर पे जो कंपनी ने इस लाइट को डिजाइन किया गया है, तैयार की गई है लाइट, ये लाइट इस हिसाब से तैयार की गई है, कंपनी ने इसको बताया कि इसकी 2 ईयर तक चलेगी है, लाइट जो है इसकी 2 ईयर तक चलेगी। तो लेकिन ये इसकी 1 साल की कंपनी वारंटी दे रही है, यानी कि कंपनी को अपने प्रोडक्ट के ऊपर इतना इत्मीनान है, इतना यकीन है कि वो कहती है ये 2 साल तक चलेगी, 2 साल तक खराब नहीं होगी। अगर खुदा ना खास्ता खराब हो जाए, आपको इसके पार्ट्स अवेलेबल मिल जाएंगे, लेकिन हमें अभी 3 साल से कोई भी इसके अंदर कंप्लेन नहीं आई, 0% ये कंप्लेन है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देखते रहे हमारा अपना चैनल।